शीला की योनियों में भटकने वाले उस प्रदूषण को फैलाने वाले की तरह नहीं, बल्कि जितनों का हो सके, जब तक हो सके, जितने समय में हो सके, अच्छा ही हो, ऐसी भावना के साथ यह दफ्तर आपके जीवन को सुशोभित करने आया है। सो भूमिका के अनुसार गृहस्थ या तो वह जीवन चरित्र लेकर के प्रतिमाओं में अपने को परिवर्तित करके जीवन में साधना करता है, वासना को उपासना में बदलता है, अथवा साधु संन्यासी हो करके, महामति हो करके वह पूर्ण ब्रह्मचरित्र के साथ अपनी ब्रह्म साधना करता है। आचार्य भगवंत को एक बार संत तो नहीं, जब बातचीत चलती थी तब की बात है, और आचार्य भगवंत को एक कैलाश चंद शास्त्री हुए बुलंद शहर के, जो बहुत निश्चय के कट्टर विद्वान थे, मुमुक्षु थे, मुनि राजा को नहीं मानते थे, लेकिन जब सतखंडालम की वाचना हुई तो आचार्य भगवंत के सानिध्य में 5-6 वाचना स्वयं पकोरा जी ने जब वाचना हुई थी तब भी वो इधर आए थे। उन्होंने आचार्य भगवंत में अद्भुत देखा, उनकी साधना में अद्भुतता देखी, दिव्यता देखी, और समापन के दिन वो कहते हैं, आज मेरा मन कर रहा है, वैसे तो मैं मुनि राजों को मानता नहीं हूं, लेकिन मैंने इनको जब आचार्य ज्ञान सागर जी के पास दीक्षा ली तब देखा था, इनकी चर्या देखी, इनकी साधना देखी, इनका जन संपर्क से रहित परमार्थ देखा, निश्चय देखा, गुरु आज्ञा का पालन करना देखा, वो मेरे मन में समा गया था, मैं तब तो नहीं छुप सका। आचार्य ज्ञान सागर जी को के पास तो मैं उनकी विद्वत्ता के कारण, उनकी निष्प्रयता के कारण मैं चर्चा करने जाता था धर्म की, लेकिन उस समय में झुकता नहीं, इनको नहीं झुका, उनको तो मैं झुका था, लेकिन आज मैं इस भरे पांडाल से कहना चाहता हूँ कि जब मैंने देखा कि मूल आचार और समय सार की मौन गाथाएं आचार्य विद्यासागर ने जीवंत कर दी, मुखरित कर दी है, तो आज मेरा मन तक इनके चरणों में छुप गया और मान कर रहा है इनको आचार्य चक्रवर्ती की पदवी से सुशोभित करना है। आचार्य जी ने अपनी नजरें नीची कर दी, कुछ नहीं कहा उस समय, मैं खुद सामने हर वाचना में रही, कुछ नहीं बोला, लेकिन जब आचार्य जी को माइक मिला तब आचार्य जी कहते हैं, मैं दिगंबर हूं, आत्म साधना के लिए मैंने इस भेष को धारण किया है, पंडित जी ये सारी की सारी पदवियां हमें आत्म तत्व में चेतना के अद्भुत अलौकिक पुंज में विचरण करने से रोकती हैं, इसलिए मैं सिर्फ साधक हूँ, साधना करने के लिए आया हूँ, अगर किसी को भी साधना करनी हो, अगर मेरा अद्भुत वह चैतन्य आत्मा से अगर कोई भी प्रभावित हुआ हो तो मेरी पहचान उसे शरीर को देख के नहीं, वाह को देख करके नहीं, अंतश्चेतना में मुझ जैसा बन करके छांकना होगा। मैं आत्म प्रदर्शक नहीं, मैं आत्म दर्शक, क्या कहा, मैं आत्म प्रदर्शक नहीं, मैं आत्म दर्शक हूँ, इसलिए मुझे तो इस दिगंबर मुद्रा के साथ अपनी साधना में ही लीन रहने दो। ये पद अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि पद पद पर बहु पद मिलते हैं, पर ये सब पद आपद हैं, ऐसे पदों को नहीं चाहिए, तो ये तो कितना कदम कदम पर अद्भुत आचार्य भगवंत ने साधना के पद जिए हैं और जीते चले जा रहे हैं, अद्भुत हर पद नए नए हैं, वही 10 धर्म के साक्षात्कार जीवंत रूप है, और उनके अनुरूप जो भी मुनि महाराज कुंद कुंद आचार्य भगवंत के अनुरूप चर्या कर रहे हैं वो भी सब
दस धर्म माए हैं, ऐसे दस धर्म माए आज आपकी आंखें जीवंत दस धर्मों का दर्शन कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ पुण्य अद्भुत पुण्य की तरंग, कुछ अद्भुत पुण्य का बैलेंस जो आपके पास है। आज से कुछ 200-250 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 100 की 200 की 250 मुनि महाराज के दर्शन नहीं होते थे। पंडित दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित ध्यानत राय जी, बहुत से भैया, पंडित भैया भगवती दास, कितने कितने हुए जो तड़पते रहे, तरसते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, वो गुरु कब मिले हैं, वो गुरु कब मिले हैं। उन्होंने बीज बोया, वृक्ष फलीभूत हुआ, फल कौन खा रहा है? पूर्वज बीज बो के चले गए, आम का बीज बोते थे पहले पूर्वज, आज की बात अलग है, आज बोया कल आम आ गए। पहले तो जब तक कि वृक्ष, आम का वृक्ष परिपक्व प्रौढ़ अपनी अवस्था में नहीं पहुंचता था, तब तक आम नहीं आते थे, तो बीज बो गए वो, और आज हम आम का फल हम लोग खा रहे हैं। आंखें धन्य हो जाना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाना चाहिए। व्यर्थ में हम राग देश को करते हुए बैठे हैं, अपने अनमोल अद्भुत अनमोल क्षणों को हम खोते चले जा रहे हैं। नहीं, हमारे जीवन में उस ब्रह्म की यात्रा के लिए, उस प्रभु की यात्रा के लिए, उस भगवत्ता की यात्रा के लिए, उस उपासना और साधना की यात्रा के लिए हमें प्रथमान योग देखना होगा कि कैसा होता है ब्रह्मचर्य व्रत। आपको मालूम होगा विजय शेख और विजया शेखानी, ये दोनों विजया विजया पुत्री आड़ीगा के पास पढ़ती थी और विजय पुत्र गुरुकुल में पढ़ता था। दोनों के अविद्या अध्ययन पूर्ण हुआ तो विजय सेठ से गुरु जी कहते हैं दक्षिणा दो। उसने कहा दक्षिणा में शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत। तो आलिका के पास जब विजया की शिक्षा पूर्ण हुई दक्षिणा दो, तो कृष्ण पक्ष में आजीवन कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत। भाग्य से लव मैरिज में, भाग्य से, दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से, पुण्य से दोनों का विवाह हो गया। अभी शुक्ल पक्ष में विवाह हुआ है, मतलब उसका शुक्ल पक्ष में विवाह हुआ था। उसने अपने विजया से कहा पत्नी से, मेरा शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है, बात मत करना रात की विषय की कषाय की। उसने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आपको मैं भाई की तरह देखूंगी, आप मेरे भाई की तरह भाई के समान होंगे। और विजय कहता है तुम मेरी बहन के समान हो। जैसे ही शुक्ल पक्ष पूर्ण हुआ, कृष्ण पक्ष आया, तो कहती अब आप भी मुझसे बात मत करना क्योंकि मेरा कृष्ण पक्ष का व्रत है। दोनों अहो भाग सौभाग विडम्बना नहीं, कि कर्तव्य मूड नहीं, ऐसे खुश, ऐसे आनंद, ऐसी पवित्रता, ऐसी पावनता, ऐसे मन मच गया, उनका वचन मच गया और किसी को नहीं बताया, दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे। एक दिन तो विजया कहती है माता पिता को बताना चाहिए, ताकि वो, उसने विजय से कहा कि मेरा दूसरा विवाह नहीं हो सकता है, मैं नारी स्त्री हूँ, ये रीत है, सिद्धांत है, लेकिन तुम्हारा तो दूसरा विवाह हो सकता है, तुम अपना दूसरा विवाह करोगे? नहीं, ऐसे क्षण ऐसी अद्भुतता ब्रह्मचर्य में रमन करने का कहाँ सौभाग्य होगा। और पवित्रता से अपने शील व्रत का पालन करने लग गए, निर्दोष पालन करने लग गए। तो एक सेठ जो कि उसका परिवार था, उसके बेटे की शादी हुई, तो उसके बेटे की जो बहू आई नई नई, उससे एक बार 20 किलो घी का घड़ा गिर गया। चूंकि पहले के घर मार्बल वाले नहीं होते थे,
मिट्टी वाले होते थे, सीमेंट वाले भी नहीं होते थे, पत्थर या मिट्टी वाले होते। जैसे घी गिरा पूरा घी ससा गया। शेख जी क्या बोलते, बेटा चोट तो नहीं आई, तकलीफ तो नहीं हुई, घबराना नहीं, कुछ नहीं, वस्तु गिरी है, विश्वास ना गिरे, रिश्ते ना टूटे, आत्मीयता ना बिखरे। बेटा कल आ जाएगा घी, बिकल थी वो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक लोटा बिद छाने लाते समय भू गिर गई उससे। सास ससुर नहीं क्यों डांटा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं लगता, आज तुमने अनर्थ कर दिया, आज तुमने बड़ा पाप कर दिया। वो कहती पिताजी उस दिन 20 किलो घी गिरा था, तब तो तुमने डांटा नहीं, इतना सा पानी गिर गया। बेटी वो पानी नहीं था, वो जीवों का पिंड था। चलो ये पाप हो गया है, पूरे परिवार को प्रायश्चित लेना होगा। और जहां मुनिराज थे वहां गए और कहा कि प्रायश्चित तो। मुनिराज ने क्या कहा मालूम, कितनी बिलछानी, आज तो बिलछानी गिरने की बात नहीं, बिलछानी ही नहीं है, नल खोले हैं तो अब तो थैली लगी है ना, छाड़ के भी पीते तो थैली लगी, बिलछानी कहाँ है तो डालोगे भी कहाँ। आप सोचो मुनिराज कहते हैं इसका प्रायश्चित तब भी आपका पूर्ण होगा जब आप किसी शीलपति शीलवान दंपति को अपने घर भोजन कराओगे। और हाँ माता जी को बताए 84,000 आहार करवाओ, हमें तो इतना ही पता है, कहीं कहीं ये भी इतना ही आती। और कैसे पता चलेगा कि तुमने शीलवान दंपति का भोजन कराया है, और वो शीलवान थे। तुम्हारे घर का बरसों से चंदोबा, पहले भोजनशाला में क्या होता था, चंदोबा बनता था, क्योंकि चूल्हे से लकड़ी से रोटी वगैरह बनती थी तो धुआं उसमें पहुंचता था, काला किट, वो जो चंदोबा काला किट है ना, उनके आने से वो झक झक हो जाए, बिना साबुन के, बिना खोलाए सर्फ साबुन के पानी में कैसे धुआं की किट्टिमा काली मां निकल सकती। अब देखो कैसा अद्भुत चमत्कार, ब्रह्मचरित्र का शील था, इतनी पवित्रता, सारे नगर के दंपति का भोजन करा दिया। पता ही नहीं था ना, डिक्लेयर थोड़ी किया था उन्होंने कि हम है शीलवती हम है, नहीं, एक दंपति को खाना खिलारा, भोजन करारा, रोज चंदोबा देखता, भर के भी नहीं आया चंदोबा में। अब कौन शेष रह गया, कौन है विशेष, होगा मुनिराज ने कहा है तो होगा कोई भी विशेष। और खोज करते करते पता चलता है कि विजय शेठ और विजया शेठानी अभी शेष रह गए उनके पास। आज हमारे घर आपका भोजन है, अच्छा ठीक है, स्वीकार है। तो जैसे स्वीकार किया घर का चंदोबा हिल गया, अभी आए नहीं घर में, अभी उसके घर नहीं गए, हिल गया। और जैसे ही उन्होंने उसके घर की ओर जाना प्रारंभ किया, उस सेठ के घर की ओर सीढ़ियों पर पैर धोए कि काली माँ धीरे धीरे फीकी पड़ने लग गए। और जैसे ही वो भोजनशाला में चौकी पर बैठते हैं दोनों जन, वैसे ही छक छक अपने आप, किसी ने किया नहीं कोई तंत्र मंत्र, नहीं मंत्र तंत्र भी नहीं कर सकते, पुण्य का उदय हो तो हो सकता है, लेकिन अगर पाप का उदय हो तो मंत्र तंत्र भी काम नहीं आते। ऐसे सेठ जी ने चरण पकड़ लिए, पखार भी लिए, भक्ति बस आपने आज मेरा बिलछनी गिरने का पाप धो दिया, आज मेरा पाप धुल गया। ऐसे शीलवान दंपति को खाना खिलाने से, भोजन कराने से आज मेरा आहो भाग सौभाग माने, आज के पाप जो एक पाप हो गया था, मेरा परिवार पाप में आपाद कंठ डूब गया था, उस पाप से बन चुका था वो, आज मेरा धुल गया, धुल गया। तुम जैसे
ब्रह्मचर्य में रमण करने वाले, पवित्रता में जीवन जीने वाले धन्य है। इसलिए शीलवान औरत ब्रह्म भाव अंतर लगो, ब्रह्म भाव बाहर नहीं है। कहाँ है ब्रह्म भाव, कहाँ है अंतर? अंतर में डॉक्टर से पूछो क्या भरा है शरीर के अंदर, क्या है? जिससे इतना रॉ, जिससे इतना पीड़, जिससे इतना मतलब कि वो वज्र यंग वज्र कुमार की वज्र जंग मनोहती, एक पुत्र सेठ का पुत्र विवाह कर लिया, एक सुंदर पुत्री से विवाह हुआ, अब वो पत्नी को छोड़े ही नहीं। वज्रबाहु, वज्रबाहु, और उसका भाई आया लेने कि मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ, तो कहता है कि नहीं मैं नहीं भेज सकता। उसके पिताजी ने समझाया, पुत्र के माँ ने समझाया कि बेटा ये तो रीति है, भेजना पड़ता। वो कहता नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, चरम सीमा का राज। तो उसका साला कहता है ऐसा करो जीजा जी, तुम ही चलो साथ। पिता समझाते हैं और सौ भी जाते हैं इसके साथ, 26 जाते हैं। पिता समझाता है कि कभी ससुराल नहीं जाते अभी ऐसे, और उसके साथ लेने जाना, पर अभी मत साथ जाओ। कहता है मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, जैसे आप कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। ठान लिया तो ठान लिया, करना ही है, क्या करना, उसी से करना है, चाहे वो आपकी जाति की हो, विजाति की हो, कैसी भी हो। यही लड़के कहते, यही बात लड़कियां कहती, लेकिन देखो उधर, जैसे ही जंगल में हाथी पर बैठे सब लोग जा रहे थे, बीच खनघोर जंगल में एक मुनिराज ध्यानस्थ, तो इसकी दृष्टि वज्र कुमार वज्रबाहु की दृष्टि एकाग्रता से उसी पर टिक गई। तब साला कहता क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कुछ देख रहा हूं, उधर देखो क्या है। नीचे हाथी सोता थे सब लोग, तो मुनिराज ध्यानस्थ थे, और ये जाकर के ऐसे चरणों में झुक गया। तो साला मजाक करता है, क्या साले को मजाक सूझता है, तो कहता है अगर आप मुनि महाराज बन जाओगे, क्या मुनि महाराज बनने की भावना है? अब आंखें उठ, नजरें उसकी ओर नहीं उठ रही, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने रुख बदले तो किनारे बदल गए। और वह कहता है मुझे दैगंबरी जेनेश्वरी दीक्षा दे दो। उसके पहले उसका वह कहता है बहन का भाई कि जीजा जी अगर तुम महाराज बन गए तो मैं क्षुल्लक जी बन जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था ये तो बनने इतना तो मोह है हमारी बहन से कि क्या बनेंगे। और तुरंत उन्होंने कहा मुझे दिगंबर दीक्षा देख करके मुझे मेरा कल्याण करो। अब तो ना मनोवृत्ति की ओर देख रहा है, ना ही उस और ना उदय सुंदर की ओर देख रहा है, ना ही और जो 26 राजकुमार साथ में किसी की ओर नहीं देख रहा है, मात्र वो अपने अंतर को देख रहा है, अंतर भाव को देख रहा है। वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा घर, मनोवती ने भी दीक्षा ले ली, सभी ने दीक्षा ले ली, और उसके उदय सुंदर ने भी दीक्षा ले ली, सब ने दीक्षा ले ली। क्या अद्भुत परिणाम है, आचार्य से जी निकले तो आचार्य से के घर के सब ने दीक्षा ले ली, व्रत लेकर के आत्म कल्याण करके। कितने से ऐसे घर है जहां पर की एक के निकलने से अनेकों का पथ खुल गया। आज का उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहता है कि अभी तक तुम एक बार भी अपने ब्रह्म में रमण कर नहीं कर पाए हो, तुम ये नहीं हो जो दिख रहे हो। ये फलाना चंद शरीर का नाम है, किसका नाम है? क्यों भूख लगी आज? एक आसन देर से करते हो क्या? ये सबके उपास थोड़ी है, इनसे पूछो क्यों सबके उपवास हैं आज?
एक आसन होगा, किसी का दो आसन होगा, किसी का दिन दिन में खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, और किसी को आप अगर लगी आवश्यकता रात को पानी भी पीने के भंग है, धर्म के भंग है, और धर्म में भंग घटित होते रहते हैं। सो आज तो देर से ही खाना है ना, आज और कल तो, आज ही शाम को की रात को, कब कह दोगे प्रवचन के बाद, रात्रि के प्रवचन के बाद कह दोगे, यादों के चिराग जलाए रखना अलविदा, कौन कहेगा पर्युषण पर विराज। 12 बजे भी नहीं मानना, बस यादों के चिराग जलाए रखना अलविदा, आ जाओ बस कल से। क्यों कितना को खुशी है कि आज पूर्ण हो रहा है हमारे पर्युषण पर विराज। बोलो ज्ञानी कहता है आप जाने ही नहीं देंगे, और अज्ञानी कहता जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई भी अज्ञानी नहीं, यहाँ पर सब ज्ञानी है, यहाँ पर सब संतोषी है, यहाँ पर सब अच्छे मन। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ऊपर ऊपर से बोलती हो। अच्छा इसे पूछ रहे हैं एक बार प्रवचन में, बोलो ये क्या है, यही तो व्यवहार है, यही तो उपचार है कि अपनों की कमी, अपनों की गलतियां, अपनों की कुछ कर्म के उदय से होने वाली दुर्घटनाएं चौराहे पर नहीं कही जाती हैं। धर्मात्मा से अगर कोई भूल हो जाती है तो चौराहे पर नहीं कही जाती है, बल्कि सहयोग दे करके, सहयोग दे करके उसको क्या किया जाता है, उसको व्यवस्थित पूर्ण किया जाता है, पूर्ण बनाया जाता है, ना कि न्याय, गलती की है तो निकल जाओ, समझौता होता है। सो आज हम आपके बीच में 10 दिन से यहाँ पर एक एक धर्म का प्रवचन देते हुए, धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बताएं, क्योंकि आज धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बताने के लायक है आज की जनरेशन। और आज की जनरेशन क्या हमारे सभी जन, क्योंकि शरीर हीन सहनन में है, दीर्घ सहनन नहीं है, मुनि बनना चाहते हैं, आरिका बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। जो आचार्य भगवंत कहते हैं कि कम से कम अपनी शक्ति के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे भाव बनाते हुए सद्गुणों से सज सकते हो, धज सकते हो, और दूसरे के लिए भी सुख और शांति के कारण बन सकते हो। तो 10 दिन से हमने आपको सुनाया है, क्योंकि कल से तो फिर यहाँ कल प्रवचन है, रखोगे तो फिर जुलूस में देर हो जाएगी आपको। कल तो प्रभावना का अंग है, और सभी को 1 बजे के पहले पहले वहां उपस्थित हो जाना है। हो गए ना, कौन कौन होगा, ऊपर हाथ उठाओ ईमानदारी के साथ, सत्य हो तो उठाना, असत्य हो तो नहीं उठाना। बस इतने से कम लोग आएंगे, बेचारे लोग क्या करेंगे, पालना कराएंगे, जिन्होंने ऊपर हाथ नहीं उठाया वो पालना कराएंगे क्या, या पालना करेंगे क्या। कितना अद्भुत ये, जहाँ पर्युषण पर्व राज हो, जहाँ रत्नत्रय पर्व चल रहा हो, 16 कारण पहले से ही चल रहे हो, ये शाश्वत पर्व आपके जीवन को खूब व्यवस्थित कर दे, और एक दूसरे के कंधे से मिला करके अपनी जैन समाज की एकता को बांधे रहे। इसके लिए ही मैंने आपको 10 दिन तक सुनाया है, और आपने सुना है। अगर कल तो क्षमा वाणी है कि यस ऐसे ही महा क्या है, क्षमा वाणी में मनाया जाता है कि विमान महोत्सव। अच्छा ये विमान महोत्सव क्षमा वाणी पता नहीं, क्षमा वाणी पूर्ण नहीं होती है, आपके सामर्थ्य में क्षमा वाणी होगी, और समय पर पहुंचोगे तो ही क्षमा वाणी। कम से कम 3:30-4 बजे मानस भवन में, क्या है मानस मंच पर आप अपने जीवन का मंचन करने पहुंच जाए तो होगा, क्योंकि समय तो बहुत जल्दी, अब आप लोग देर करते कह रहे थे ना, चार लोग चलते हैं, फिर इकट्ठे बड़ी देर बाद होते, 6 बजे तक अभिषेक होता है, 6 बजे अभिषेक नहीं करना,
समय पर अभिषेक करोगे तो तुम्हें समय पर छोड़ दिया जाएगा। सो फिर भी हम आज बाजार मंदिर में रुके और नए मंदिर के बीच में हम कहेंगे ये नया मंदिर और बाजार मंदिर पूरा टीकम कर रहा, यहाँ पर पूरा टीकम कर था व्यवहार में, इसको व्यवस्था की दृष्टि से ये मंदिर कहा गया। हमारे प्रवचनों के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पीड़ा हुई होगी, ठेस भी लगी होगी, कहीं ना कहीं से तो ऐसा लगा होगा कि माता जी शायद मुझे गलत बोल रही हैं, उनको सही बोल रही हैं। मेरी एक आदत है, एक हैबिट है कि मैं किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में भी नहीं, मैं आगम के पक्ष से बात रखती हूँ और सारा गुरु जी पर छोड़ देती हूँ। कोई भी मुझसे बात करेगा मैं सुनूंगी तो, कथनचन सुन तो लेती हूँ, बहुत कम सुनती हूँ। अगर आपको मेरी पहचान करना हो तो बपोरा जी में आके कर लेना, मेरे पास जितना संकेत है आचर्सी का मैं उतना ही काम करती हूँ। एक बात, दूसरी बात, मैं अभी टीकमगढ़ आई हूँ तो आचर्सी के संकेत से ही, किसी के और के नहीं, किसी के कहलवाने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, आचर्सी का संकेत कहाँ, जाओ टीकमगढ़ जाकर के धर्म प्रभाव ना करो, या कहा धर्म प्रभाव ना करो। तो हम धर्म प्रभावना के लिए आए, मुझे पूरा विश्वास है, क्या मुझे पूरा विश्वास है कि आप विश्वास बना के रखना, क्योंकि एक बार की बात है कि धन यश और विश्वास तीनों मंदिर में एकत्रित हुए रहते थे साथ साथ। धन ने कहा अब मैं बिछड़ रहा हूँ, यश ने कहा मैं भी बिछड़ रहा हूँ, तो धन से कहा तुम कहाँ मिलोगे, बोले हम बड़े आदमियों की कोठी में मिलेंगे। यश से कहा तुम कहाँ मिलोगे, बोले हम विद्वान पंडितों के पास मिलेंगे। दोनों ने कहा विश्वास तुम कहाँ मिलोगे, विश्वास ने कहा एक बार चला गया तो कभी नहीं मिलूंगा। ये ऐसा है, विश्वास बना के चलो और विश्वास लो भी और दो भी, और अच्छे से कहते मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। आप ये जो लिस्ट लेकर के कहते मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, मैंने इतना किया इतना किया इतना किया, धर्म कहता है मत कहो ये सब बातें, व्यवहार अपना सुव्यवस्थित सब बना लो तो बहुत अच्छा होगा। इतनी बड़ी समाज, ये बुंदेलखंड की आन बान शान है, और तीर्थ क्षेत्र और धरोहरों के और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए ये आपके पूर्वजों के दिए हुए धरोहर को आप संभाल करके रखे। सो हमने इसी बार रूप में आप लोगों के बीच में बात की थी, क्योंकि कल लोगों को थोड़ा पीड़ा हुई, बहुत से लोगों ने कहा ऐसा क्यों डिक्लेयर किया कि पकौड़ा जी को नहीं, मैं ऐसा डिक्लेयर भाव था कहीं का भी नाम मत लो, क्या अभी पकौड़ा जी का नाम मत लो, कहीं का भी नाम मत लो, ये कोई पकौड़ा जी तो वज्रस्थली तो क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होते हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं बरसों से चली आ रही हैं उन व्यवस्थाओं को आप सहयोग दे करके व्यवस्थित रखो। कभी भी हमारा धर्म कहता है किसी को निकाल के नहीं, किसी को अलग करके नहीं, किसी को जुदा करके नहीं, बल्कि आगम कहता है उसकी भूलों को निकालो, कहीं भूल हो तो निकालो, जबरदस्ती की भूल भी मत निकालो। ऐसा भाव हमारा आगम से है, गुरुओं से है। सो आप लोग ने बहुत अच्छे से इस मंदिर में आकर के इस मंदिर की भी शोभा बढ़ाई, और आज आपको कैसा लगा ये शांति धार जो देखी है, बहुत अच्छा लगा, इतिहास रच गया, इतिहास रच गया है। तो एक बात का ध्यान रखना, एक व्यक्ति खड़े होकर के कहता है माइक में पीस पीस पीस, तीन बार पीस बोलता है, लोगों ने अर्थ निकाले एक पीस का मतलब शांति,
एक पीस का मतलब पीस तो और एक पीस का मतलब टुकड़ा। लोग चिल्लाते तो है शांति मिले शांति मिले शांति मिले शांति मिले, लेकिन अगर प्रदूषण होता है तो वह कहता है ध्यान रखना तुम्हें तो दुख की चक्की में पीस दो और शांति का एक पीस भी नहीं मिले। लेकिन प्रदूषण क्या कहता है, तुम्हारे जीवन को शांति से भी भर दो, मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं तुम्हें हमेशा सुख और खुशबू और सुगंधी से ही भर दूं। ऐसे अद्भुत दीप लोग के नाथ कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, और ऐसा ही तुम लोग हमेशा शांति के साथ अपने भावों को शांत करते हुए ऐसे ही धारा में अपने जीवन की धारा को जोड़ना इस भावना के साथ। खम्मा में सब जीवन सभ्य जीवन खमंतु मेटी में सब भूले छे भैरव के नरे, कोई भेद नहीं कोई विरोध नहीं कोई दीवार नहीं, सबके साथ दिल से जुड़ी हूँ, दिल से जुड़ी रहूंगी, श्रद्धा से जुड़ी रहूंगी आचार्य भगवान को, जैसा संकेत होगा आचार्य भगवान से वैसा हम सब मिल करके काम करते चले जाएंगे। इसी भावना के साथ पूरे पर्युषण महापर्व राज्य की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। किसी भी जगह नहीं जाए ये हम लोगों की भावना है, और मैं इसी चीज को फिर से दोहराता हुआ आग्रह करता हूँ कि माता जी आप आज्ञा दे और क्षमा करें। तो हाँ, और सभी लोग कल तक अपनी राशि जो बोली गई है वो निश्चित रूप से यही जमा करा रहे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबकी स्वीकृति है, अभी जो साझेदारी करने वाले लोग हैं जैन मंदिर कमेटी ने पूर्ण अरेंजमेंट किया है, उसकी पूर्ण इच्छा है पूरी कमेटी की और मंदिर के सभी पदाधिकारियों की अधिकारियों की और समाज की सभी लोगों की भावना है। प्रतिमा स्थली सब आपकी धरोहर है, क्षेत्र आपका है, इसलिए आप सबको कटिबद्ध होकर के कमर कस के श्रद्धा भाव के साथ समर्पित होकर के अपनी चंचला राशि का उपयोग शीघ्रता से करके दे देना चाहिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद भगवान का। चलिए सभी लोग शांति का रखिए, एक पूजन करके अपना विसर्जन पाठ करके तो जा सकते हैं आप। होगी श्री पंचमी पत्थर वाले कल ध्यान रखना, पूज्य माता जी के चरणों में विनती रहेगी पूरी समाज की कि एक घंटे का मंगलमय उद्देश्य मानस मन से पूज्य माता जी का संपन्न हो। सूर सागर कमेटी इस बात का विशेष ध्यान रखने की कृपा करेंगे कि माता जी को एक घंटे का कम से कम उनके प्रवचन के लिए यहाँ कल विशेष आयोजन, जिन लोगों ने 10-5-3 उपवास किए हैं उनकी प्रेरणा बाबा के मंदिर से शुभ होगी। तेरी हो रे जय जयकार तेरी दीवा, तेरी हो रे जय जयकार तेरी दीवा, ओ दे बारे देवा, ओ दे बारे देवा, दे बारे देवा, ओ दे बारे देवा, तेरी हो रे जय जयकार तेरी दीवा, तेरी हो रे जय जयकार तेरी दीवा। जय 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 बोलो अजी
मंगलमय कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं पुनः कमेटी के एवं समाज के सभी प्रार्थी से निवेदन करूंगा, हमारे अध्यक्ष महोदय कि माता जी के चरणों में Thank you.
Thank you.
आया। बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी देश की महानायिका
अपने कंधों पर लेकर के अपने निर्देशन में अपने आशीर्वाद से संचालन कर रही है। धन्यवाद उन्होंने लगाई था। देखिए इस बाजार मंदिर जी के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी पहलवान उन्होंने भी मेरी बाजार मंदिर कमेटी द्वारा
नए मंदिर कमेटी द्वारा कहीं भी किसी को हृदय को आघात पहुंचा हो तो सब बड़े हैं हम लोगों से, हम लोगों को सब क्षमा प्रदान करें। सभी से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। माता जी की जय, आदर्शमती माता जी की जय, आरिका चंद की जय। हम लोगों का भी पहला अनुभव था और जो निर्देश या जो भैया लोगों ने हम लोगों को बताया हमने उसी के अनुरूप पूरी व्यवस्था की और सभी का सहयोग पाठी रहा। जैन मंदिर कमेटी एवं और सभी लोग जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया उनका हृदय से आभारी है। अगर कोई त्रुटि इस बीच हुई हो क्योंकि जो काम करता है गलती उसी से होती है। निर्देशक तो बहुत होते हैं पर काम करने वाले बहुत कम होते हैं। बताइए अगर इस बीच मेरे से मन वचन काय से अगर कोई त्रुटि हुई हो और कुछ वचन व्यवस्था के लिए मैंने गलत बोले हो तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ और सभी लोग मुझे क्षमा करें। मेरी ओर से सभी को क्षमा है, सभी को जय देने बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अपनी बात समाज के सामने रखें। आदर्शमती माता जी की जय। प्रतिभा स्थली का संकल्प अपोरा क्षेत्र कमेटी का और इस समाज का इन 10 दिनों में आयिका माता के सानिध्य में बाजार जैन मंदिर, नया जैन मंदिर, वीर व्यायामशाला और भी महिला संगठन के सहयोग से और समाज के सहयोग से जो प्रतिभा स्थली निर्माण में आए सहयोग हुई है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती है अपोरा कमेटी एवं आभार करती है। और कार्य करते हुए अपोरा क्षेत्र कमेटी के द्वारा काम करते हुए कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं जो स्वाभाविकता है हम लोगों के बोली में या व्यवहार से। किसी को समाज को कहीं भी किसी प्रकार का दुख पहुंचा हो उससे मन वचन काय से अपोरा क्षेत्र कमेटी की ओर से और मैं अपनी ओर से उत्तम क्षमा और सब कुछ क्षमा है। वंदनीय माता बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाजार जैन मंदिर कमेटी की भूमिका निभाते हुए मैं स्वयं सबसे पहले आरिका संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। माता जी सबसे पहले तो कुछ मजबूरियाँ हुआ करती हैं कि मेरे को भी टीकमगढ़ से बाहर रहना पड़ा। माता जी इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि पहले से मेरा कार्यक्रम फिक्स था और बाद में एकाएक पर माता जी का पता चला। मगर खुशी इस चीज की है कि पूज माता जी का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हुआ है और बस भावना यही है कि माता जी